वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज अ फ्रेंड हनी। आज आप लोग को मैं कोई ब्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोग को अपने शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने गैलेरिया मॉल से की थी, मतलब RMZ गैलेरिया मॉल, यहाँ पे यलंका में है ये। तो हम लोग 25 दिसंबर को गए थे, ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने बाहर निकले थे, तो सोचा चलो मॉल चलते थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो गए, कुछ किचन का सामान था लेना, ग्रॉसरी वगैरह, और थोड़ी शॉपिंग की मैंने, बच्चे बेटे की, मेरी और हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े वपड़े लिए थे। तो गैस वो मैं आपको आज अपने सारे कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने शॉपिंग क्या क्या की थी। तो गैस सबसे पहले दिखाती हूँ, सबसे पहले गैस मैंने ये देख लीजिए, ये लिया था मैंने, इसमें ये पूरा सामने ये थोड़ा स्टोन लगे हुए हैं, थोड़ा शाइन करते हैं ये। ऐसे में ये थोड़ा इस तरह के स्टोन वाले मैं चीजें लेती नहीं हूँ। इनफैक्ट गाइज ये लार्ज साइज में है, लार्ज में मेरे को मिला, मैं स्मॉल ढूंढ रही थी, मेरे को स्मॉल ही आता है क्योंकि, बट स्मॉल था ही नहीं साइज, बट मुझे ये पसंद आ गया था तो मैंने कहा लेना तो है ही, तो गाइज मैंने लार्ज ही ले लिया। कैसा लग रहा है गाइज? ये एक्चुअली रॉयल ब्लू है, वहां कौन सा कलर दिख रहा है मालूम है, समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइज ये तो हो गया, मेरा पहला टॉप लिया था जो मैंने अपने लिए, और गाइज एक टी शर्ट भी ली है, एक नहीं मतलब और भी ली है, दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए गाइज, और गाइज मेरे को टी शर्ट्स के मामले में मेरे को मीडियम आते हैं, मतलब लार्ज तो मैं बहुत मजबूरी में लेती हूँ, नहीं तो टी शर्ट्स मेरे को यूजली स्मॉल या मीडियम ही आते हैं, तो वो मेरे को मीडियम स्मॉल आ जाता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बट मिला नहीं तो मैं लार्ज ही लिया, और ये वाला मीडियम है गाइज, ये देख। गाइज मैं व्हाइट टी शर्ट पहनती नहीं हूँ, बट मुझे इसका कुछ पैटर्न थोड़ा, मैंने कहा कि नया कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह फूल पत्ती बने हुए पैटर्न ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलिए इसको एक लेके ट्राई करना चाहिए। और गाइज व्हाइट कलर तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैं व्हाइट कलर नहीं अवॉइड करती हूँ, पहनती नहीं हूँ। तो गाइज ये तो हो गया मेरा एक और टॉप, और गाइज एक और टी शर्ट देख लीजिए गाइज, इनमें से अभी टैग्स भी निकाले नहीं है मैंने, क्योंकि अभी पहना ही नहीं है, उद्घाटन हुआ नहीं किसी का भी। इसका गाइज कलर और ये पैटर्न मुझे कुछ अच्छा लगा थोड़ा, पास से देखिए, ये गाइज मीडियम ही है, जी हाँ ये मीडियम ही है गाइज, क्योंकि मेरे को टी शर्ट्स गाइज मीडियम ही आते हैं, स्मॉल ज़्यादा ही छोटे से हो जाते हैं, थोड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ऊपर ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मीडियम साइज परफेक्ट आता है मुझे। आई होप यू फील ब्यूटिफुल टूडे, इस पर लिखा हुआ है गाइज, ये देखिए गाइज, कमेंट के थ्रू बताइएगा। ये एक्चुअल में गाइज कुछ ग्रे कलर है, उधर क्या दिख रहा है कैमरे में पता नहीं, बट ये कुछ लाइट ग्रे जैसा कलर है। एक गाइज और मैंने टी शर्ट ली थी, वो भी देख लीजिए गाइज, रॉयल ब्लू टी शर्ट मेरे पास काफी सारे हैं, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 4 या 5 तो होंगे, पर मैंने फिर से एक रॉयल ब्लू ले लिया, देख लीजिए गाइज, इसमें ये कोई लड़की बनी हुई है, यूं कर रही है वो, और गाइज इसका भी साइज स्मॉल मीडियम ही है, ये देख लीजिए इसका पैटर्न, दिस गर्ल कैन लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेट्स मेक इट पॉसिबल, ये भी लिखा हुआ है इसके ऊपर गाइज, ये देखिए गाइज कैसी लग रही है टी शर्ट जरा बताइएगा। एक्चुअल में और भी ऑप्शन थे अच्छे अच्छे, बट वहां पे बात ये थी कि मॉल के हो गया था टाइम बंद होने का, तो मैं बेटे के उसमें लगी रही लेने में और ग्रॉसरी का सामान लेने में लगी रही, ये मैंने बहुत इमरजेंसी में खरीदा है, तो टाइम हो चुका था, तो उतना अच्छा भी नहीं चूज कर पाई जितना मुझे मेरी और चॉइस थोड़ी अलग है, बट फिर भी काम चलाओ तो है ही, मैंने कहा चलो कभी कभार पहनना होता है, ठीक ही है। और गाइज मैंने बस अपने लिए टी शर्ट्स लिए थे और एक जीन्स लिया था, काफी दिनों से मैंने जीन्स नहीं खरीदा था अपने लिए, तो मैंने कहा एक जीन्स ले लेते हैं गाइज, ये देखिए नीचे से गाइज इस तरीके से परमानेंट फोल्ड रहता है, और ये इसका लुक है, ये देखिए। तो गाइज देखिए अभी टैग्स वगैरह लगे हुए हैं, अभी मैंने ये यूज नहीं किए क्योंकि बिल्कुल नए रखे हुए हैं अभी, तो इसमें कुछ ऐसा ये आ गया से सामने से हल्का सा, यहाँ कुछ लाइट किया गया सामने से,
और मेरी कमर कितनी है गाइज ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद ही गेस करते रहना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ ये अच्छी बात नहीं होती है, किसी कमर ऐसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हो सकता हमारा कमर ना हमारा कमर हो इसलिए हम नहीं बताएंगे गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ एक चीज़ और ली थी मैंने अपने लिए, भूल गई, मैंने अपने लिए गाइज एक शर्ट लिया था जीन्स का, ये देखिए मैंने तो शॉपिंग कर वो जो मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ उसमें तो मैंने गाइज ये दिखाया भी है कैमरे में यूँ करके, और गाइज इसकी इसकी लंबाई खूब अच्छा सा एकदम मतलब खूब यहाँ तक आता है, ये देख लीजिए पास से देख लीजिए, इसका नीचे का गाइज थोड़ा ऐसा है बोट जैसा लुक है नीचे से, ऊपर पूरा बटन है और इसके ऊपर गाइज ये कुछ थोड़ा कढ़ाई वगैरह की गई है, ये वैसा कोई रबर प्रिंट या कोई वैसा प्रिंट नहीं, बाकायदा इसमें कढ़ाई करी हुई है पूरा, मतलब अच्छे से इसके ऊपर मशीन का काम है सारा, तो ये कभी निकलेगा भी नहीं। और गाइज ये मुझे मीडियम साइज में मीडियम साइज में ये लेनी पड़ी, मेरे को मीडियम आता नहीं है शर्ट के मामले में, बट मुझे लेनी पड़ी क्योंकि स्मॉल अवेलेबल था नहीं और मुझे पसंद बहुत आ गई थी ये तो मैंने ले लिया। और गाइज हैंड्स आप किसके चाहे तो फोल्ड करके पहने चाहे लंबा लंबा ऐसे ही पहने, बट गाइज मैं तो दोनों तरीके से पहन लूंगी। गाइज ये तो हो गई टोटल मेरी शॉपिंग, अब मैं दिखाती हूँ अपने बेटे के लिए मैंने क्या लिया था, ये गाइज उसके लिए टी शर्ट ली है क्योंकि गाइज यहाँ पे हल्का ठंडा मौसम रहता है तो बैंगलोर में जितना फुल कपड़े बच्चे पहनते हैं उतना ठीक रहता है, तो मैंने उसके लिए वहां पे ट्राई किया फुल मेरे को मिल जाए बट नहीं मिले, गिने चुने यही फुल मिले हैं, तो रेड और ये नेवी ब्लू कलर में है गाइज। इनफैक्ट ये जो इसका जो साइज है 5 to 6 ईयर के बच्चे के लिए है, मतलब 5 से 6 साल के बच्चे के लिए, पर मेरा बेटू तो 6 से ऊपर हो गया बट वो थोड़ा कमजोर है ना तो उसको 1 साल नीचे के कपड़े आते हैं, तो मैंने उसके लिए 5 to 6 लिए। और गाइज एक ये टी शर्ट लिया उनके लिए, केकड़े बने हैं इसके ऊपर गाइज, ये देखिए केकड़ों ने लगा रखे चश्मे। और गाइज उसके पास ब्लू कलर के बहुत सारी टी शर्ट है लेकिन मुझे अलग अलग टाइप का ब्लू लेने की बड़ी आदत है गाइज, जैसे ये इसमें कैमरे में कुछ कोई ब्लू दिख रहा है बट एक्चुअल में ये ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा अलग कलर है, इसको एक्चुअल में कौन सा कलर है इतना मैं भी नहीं समझ, मेरे को आ नहीं रहा समझ में। तो एक गाइज ये हो गया, एक लिया ये वाला कलर, मेरी मम्मी मुझसे मना करती है बेटे के लिए ग्रे कलर के कपड़े मत लिया कर, पर मुझे गाइज ग्रे एक टी शर्ट मैंने अपने लिए पसंद की थी तो एक बेटे के लिए भी पसंद की है, इस पर गाइज बहुत सारी लिखा पड़ी भी हुई हुई है और एक बंदर बना हुआ है, और ये वाला साइज गाइज उसको मैंने लिया है इसके लिए 5 to 6 ईयर। Keep cool. ये हो गई गाइज उनकी दूसरी टी शर्ट, एक गाइज ये मैंने हाफ शर्ट लिया उनके लिए, हाफ शर्ट लिया ये देखिए, टैग्स गाइज अभी किसी में से निकाले नहीं है, किसी में से निकल चुके होंगे जिस दिन पहले दिन आई थी उस दिन निकाल फेंक दिए होंगे मैंने, नहीं तो सब में लगे हुए हैं गाइज, में छोटा सा पॉकेट भी है। और ये कलर भी आप देख लीजिए ब्लू, पता नहीं मुझे कितना पसंद है ब्लू, बच्चे के लिए और अपने लिए सबके लिए ब्लू ब्लू स्टार्स बने हुए हैं गाइज, और जो इसका कॉलर का कपड़ा है ना वो कुछ डिफरेंट कपड़ा है, मतलब कॉटन लग रहा है बट दिस इज नॉट कॉटन आई थिंक, मतलब इससे इस कपड़े में कुछ अंतर है थोड़ा। और ये गाइज देख लीजिए इसका साइज भी वही है 5 to 6, ये वो जीन्स पर पहन सकते हैं या फिर फॉर्मल पैंट पर भी पहन सकते हैं। एक गाइज उनके लिए हमने फॉर्मल शर्ट आप कह सकते हैं, जब ऑफिस जाएंगे तब यही पहनेंगे बड़े होके, ये गाइज उनके लिए लिए, इनफैक्ट ये साइज मेरे को नहीं लगता उसको आएगा, कमजोरी इतना है, लिया तो गाइज 5 to 6 ईयर्स बट ये उसको आएगा नहीं, वो बहुत सूखू सा है ना एकदम, उसको आएगा नहीं है गाइज। पर इसका कलर आप देख लीजिए नेवी ब्लू, पता नहीं क्यों मुझे ये कलर इतना पसंद है किस लिए, और हाथ खूब लंबे लंबे हैं, मैंने उस दिन सोचा था इनको पिना के देखूं बट उसने हाथ भी नहीं डाला, बोला ये तो बहुत बड़ा है, मैंने कहा इसको खुद भी अंदाजा है कि हाँ ये मुझे नहीं आएगा, मैंने कहा स्मार्ट है इस मामले में। और गाइज उनके लिए एक पैंट भी लिया था क्योंकि उसके पास गाइज जीन्स पैंट बहुत है, इनफैक्ट उसके लिए जीन्स मैंने
एडवांस में इतने लेके रखे हुए हैं, जो बड़े हैं उसको आते भी नहीं है अभी, कमर से ढीले होते हैं या हाइट में थोड़े वैसे लंबे हो रहे हैं, पर मैंने सोचा कि एक तो ले ही लेते हैं कम से कम, क्योंकि और ये मैंने गाइस बिल्कुल फिक्स साइज लिया है कि अगर कल पहनाऊंगी तो उसे कल ही आ जाएगा, बट कमर में उसको गाइस कभी नहीं आते कपड़े क्योंकि वो बहुत पतला है, तो ये इसमें गाइस ये कुछ इसका सिस्टम है, तो मैंने कहा फिर भी आ जाएगा क्योंकि इसमें बेल्ट तो नहीं लगा सकते, बट इसकी वजह से मैंने खरीदा इसको, ऊपर से उसके पास इस कलर का पैंट था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये सही है। तो गाइस ये जीन्स का पैंट है, और गाइस पास से इसका मटेरियल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जीन्स ही है, दूर से शायद मे भी ये जीन्स नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है। तो गाइस ये हो गया बेटे का जीन्स, और नीचे गाइस में ये इलास्टिक सिस्टम है ताकि बच्चे के पैर से सरकेगा नहीं, वहीं अटक जाएगा। गाइस बेटू के लिए इतने ही कपड़े लिए थे मैंने, उसके लिए मतलब दो शर्ट ली थी, दो टी शर्ट्स लिए थे, तीन टी शर्ट लिए थे, दो शर्ट लिए थे हाफ और फुल, और एक जीन्स लिया था, ये बेटे के हो गए। और गाइस उनके डैडी के साथ हमेशा वो अन्याय करते हैं, उनके लिए हम कभी भी ज़्यादा नहीं लेते हैं चीज़ें, उनके लिए बस हम लोगों ने बस दो तीन टी शर्ट खरीदी थी, तो उसमें से एक तो उन्होंने पहन ली थी, और ये दो मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं, इनमें से भी टैग्स निकले नहीं हैं, तो ये देख लीजिए अभी आप। तो गाइस उनको लार्ज आता है, एल साइज आता है उनको, और गाइस पीछे भी प्रिंट है इसमें, फ्रंट में भी थोड़ा प्रिंट है। गाइस चूज मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ये सब मेरी चॉइस रहती है गाइस, हस्बैंड की चॉइस बहुत गंदी है, मैं उन्हें कुछ नहीं चूज करने देती, मैं कहती सब मैं चूज करूंगी, आप सिर्फ पहनोगी। और गाइस ये ब्लैक कलर है, और ये अनदर ब्लू। गाइस इसमें पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरा शहर बना हुआ है इसके ऊपर, ये प्रिंट गाइस मुझे काफी अच्छा लगा था, अट्रैक्टिव लगा था, और पीछे बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट में ही है जो भी है। तो गाइस ये कैसा लग रहा है, सबसे बड़ी बात गाइस लार्ज है, ये लग नहीं रहा है लार्ज, तो बहुत लग, ये तो बहुत ज्यादा ऐसा लग ही नहीं रहा लार्ज साइज है, बट इसमें लार्ज ये नहीं है, लार्ज ये एक्सेल है गाइस, ये एक्सेल है, ये लार्ज है, ये देखिए ये क्या चक्कर है। पर गाइस बड़ा तो ये भी दिख रहा है बहुत, और ये भी दिख रहा है बहुत, पर गाइस उन्हें पसंद आई ये टी शर्ट, और एक उन्होंने पहन ली थी गाइस। तो गाइस ये सब इतने सारे जो थे मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब इनको फोल्ड करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी मेरी क्लोथ शॉपिंग कैसी लगी आपको, मेरे को कमेंट के थ्रू बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पर नया है, और बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कमेंट करके बताइए जरूर गाइस कैसा रहा आज का वीडियो, और मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त, सायोनारा।